कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर विवादों में घिर गए हैं, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल देश भर के 181 कुलपतियों और प्रोफेसरों ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और राहुल गांधी के लिए खुला खत लिखा है। दरअसल राहुल गांधी ने विश्वविद्यालयों में नियुक्ति को लेकर गंभीर आरोप लगाया था। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि आरएसएस के लोगों को ही विश्वविद्यालय में भरा जा रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि खास तौर पर कुलपतियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि आरएसएस से जुड़ाव के आधार पर हो रहा है। राहुल गांधी के इसी आरोप के बाद 181 प्रोफेसरों और कुलपतियों ने खुला पत्र लिखकर कांग्रेस नेता को जवाब दिया है। राहुल गांधी के बयान पर कुलपतियों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि राहुल गांधी को अफवाहें फैलानी नहीं चाहिए। कुलपतियों ने अपने पत्र में लिखा कि हमें राहुल गांधी के ट्वीट्स और बयानों से यह पता चला है कि वह अफवाह फैला रहे हैं कि देश के विश्वविद्यालयों में मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि आरएसएस से रिश्तों पर भर्ती हो रही है। कुलपतियों की एक बेहद सख्त पारदर्शी प्रक्रिया के तहत नियुक्ति की जाती है। इसके लिए यह देखा जाता है कि संबंधित व्यक्ति की अकादमिक योग्यता क्या है, प्रशासनिक कुशलता कितनी और यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए क्या विजन रखता है। हम लोगों का एक पेशेवर अनुभव होता है और अकादमिक योग्यता भी मायने रखती है। चयन प्रक्रिया में इसका ध्यान रखा जाता है। पत्र में कहा गया है कि हम उन सभी लोगों से कहते हैं कि ऐसी काल्पनिक बातें न करें, बिना किसी तथ्य के ही भ्रम न फैलाएं। कुलपतियों ने पत्र में राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि ऐसी अफवाहों को फैलाने से शिक्षा का माहौल खराब होता है। कुलपतियों ने कहा कि वे मेरिटोक्रेसी में यकीन रखते हैं, उच्च शिक्षा के लिए यह जरूरी भी है। कुलपतियों ने दावा किया कि राहुल गांधी ने इस तरह के बयान देकर उच्च शिक्षण संस्थानों को बदनाम किया है। राहुल गांधी ने ऐसा बयान अपने राजनीतिक फायदे के लिए दिया है। आपको बता दें, ओपन लेटर लिखने वालों में जेएनयू की वाइस चांसलर शांति श्री दुलीपुरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश सिंह और AICTE के अध्यक्ष TG सीताराम शामिल है। लेटर पर साइन करने वाले कुछ और लोगों में CFJM यूनिवर्सिटी कानपुर के वाइस चांसलर विनय पाठक, पैसिफिक यूनिवर्सिटी उदयपुर के वाइस चांसलर भगवती प्रकाश शर्मा, महात्मा गांधी ग्रामोदय यूनिवर्सिटी चित्रकूट के पूर्व वाइस चांसलर NC गौतम, गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर के वाइस चांसलर आलोक चक्करवाल और BR अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत के पूर्व वाइस चांसलर विनय कपूर शामिल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।